नमोम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अधिकतर लोग सोचते हैं कि भक्ति का रास्ता कोमल पुष्पों से ढका हुआ है। अंधविश्वास, अनुशासनहीनता, मनमौजी व्यवहार भावुकता को भक्ति के साधन समझने लगते हैं। परंतु शास्त्र और आचार्यगण समझाते हैं कि यद्यपि प्रामाणिक भक्ति पथ से ही जीवन की सिद्धि संभव है, लेकिन भक्ति का रास्ता विषैले कांटों से भरा हुआ है। विशेषतया कलयुग में यह रास्ता लाखों करोड़ों कांटों से भरा है। इन कांटों को हटाने के लिए भक्त निर्भय होकर उत्साह से हमेशा तत्पर रहते हैं, जबकि वह जानते हैं कि ऐसा करते हुए उनके हाथ में क्षति पहुंच सकती है और द्वेषी सांप जो झाड़ियों के पीछे छिपे हैं उन्हें काट सकते हैं, बाद में आने वाले पथिकों को कोई समस्या ना हो। इसलिए भक्तों द्वारा कांटों और द्वेषी सांपों को हटाने में उत्साह और प्रयास दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम एक महान भक्त नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के चरित्र लीलाओं पर आधारित नाट्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल के नवद्वीप मायापुर ग्राम में अवतरित हुए। उनके साथ साथ अन्य पार्षद गण भी भगवान के आंदोलन में सहभागी बनने के लिए अवतरित हुए। उनमें से एक भक्त नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर थे, जिन्होंने एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, परंतु वह बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। वह प्रतिदिन भगवान कृष्ण के 300,000 नाम का जप करते थे। उनके जीवन में बहुत सी विपदाएं कठिनाई आईं, परंतु हरिदास ठाकुर जी ने कभी हरिनाम लेना नहीं छोड़ा। श्रील हरिदास ठाकुर पूरे पश्चिम बंगाल के कोने कोने में जाकर हरिनाम का प्रचार करते थे, परंतु उनके प्रचार से वहां के मुस्लिम शासकों को बहुत चिंता होने लगी। जब उन्हें पता चला कि हरिदास भी एक मुस्लिम परिवार से हैं, तब वह और ज्यादा आग बबूला हो उठे। हरिदास, 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 जहां देखो वहां हरिदास। इसने हमारे मजहब का नाम खराब कर दिया है। मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद भी इसने अपना नाम बदल के हरिदास रख लिया। हमेशा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण का जप करता रहता है। क्या ऐसा करने से वो हिंदू बन जाएगा? जमींदार जी, ऐसा करने वाला वह अकेला नहीं है। इसके जैसे ही यवन कुल में जन्मे हुए सभी लोग अब हरिनाम का जप करते रहते हैं। ब्राह्मण परिवार वाले काफिर लोग अब हरिदास के दास बन गए हैं। वह एक अयोग्य व्यक्ति है, स्वयं को प्रसिद्ध करने के लिए ढोंग कर रहा है। क्या करें रामचंद्र जी, हरिदास का अनुसरण करने वाले हमारे नगर में बहुत लोग हैं, और उसका कारण हमारे हिंदू काफिर हैं, जो विश्वास करते हैं कि वह एक हिंदू है, लेकिन हरिदास एक तुच्छ है। उसकी रगों में एक मांसाहारी का लहू है, क्योंकि जन्म जात से वह एक मुसलमान है, और वह कैसे एक साधु बन सकता है? यदि हम ऐसे ही चुप रहेंगे तो आगे जाकर हमारी जमींदारी की गद्दी और संपत्ति दोनों हमारे हाथ से निकल जाएंगे।
यह व्यक्ति भविष्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो खान जी, उसके लिए हम कर क्या सकते हैं? उसके ढोंग को हमें सिद्ध करना होगा। जो उसका सम्मान करते हैं, उसका अनुसरण करते रहे हैं, उन्हीं के हाथों से उसे इस नगर से धक्के मार के निकालना होगा। जो आप कह रहे हैं वह सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये संभव है? जमींदार जी, आपसे मिलने के लिए एक महिला आई है। वह अपना नाम पद्मिनी बता रही है। उन्हें शीघ्र अंदर भेज दो। जैसी आपकी आज्ञा। शर्मा, तुम पूछ रहे थे ना, यह कैसे संभव होगा? अब देखो, ये असंभव कार्य केवल पद्मिनी ही पूरा कर पाएगी। पद्मिनी कौन है वो? मेनका, विश्वामित्र जैसे तपस्वियों को अपनी सुंदरता से कामुक बनाने वाली मेनका है वो। सिर्फ हमारे ही नगर में नहीं, आसपास के 24 नगरों में अकेली सिर्फ यही एक सौंदर्य की प्रतिमा है। जैसे एक हथनी को देखकर एक विशाल हाथी बेकाबू हो जाता है, उसी तरह पद्मिनी को देखकर हरिदास पद्मिनीदास बन जाएगा। वह एक दक्ष नृत्यांगना है। ढीठ से ढीठ पुरुषों को वश में करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। इस वैश्य के द्वारा हम उस ढोंगी हरिदास का नकाब उतार देंगे। परंतु ये भी हो सकता है कि वो वैश्य हरिदास ठाकुर की भक्ति से प्रभावित हो जाए और स्वयं हरि नाम लेने लगे। ये कदापि नहीं हो सकता है शर्मा। हम उसे मनचाहा उपहार देंगे, मनचाहा, जिससे वह अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटेगी। ओ, इसका अर्थ है वो एक बिकाऊ है। मैंने सही कहा है ना? अपनी जीभा पर नियंत्रण रखिए। मैं कोई वस्तु नहीं जो कुछ सोने के पण के लिए बिक जाए। मैं अमूल्य हूँ। मेरे मूल्य का कोई निर्णय नहीं कर सकता। मैं इसका निर्णय स्वयं ही करती हूँ। क्यों जमींदार जी, लगता है इस नगर में नए आए हैं। मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। पद्मिनी, इनका नाम शर्मा है। इस नगर के जमींदारों में से ये भी एक है। आसपास नगरों के सभी जमींदारों से तो तुम भली भांति परिचित हो, क्योंकि कदापि वे लोग तुम्हारे घर के आसपास ही मंडराते हैं। लेकिन ये जना वैसे नहीं है। कन्याओं और स्त्रियों को देखकर यह बेचारे दुम दबा के भाग जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अंदर थोड़ा लज्जा का स्वभाव है बस। वास्तव में मैं एक महान पराक्रमी हूं। बस कीजिए अपने पराक्रम की कहानियां। अब बताइए, वो खास बात क्या है? कहीं तूफान लाना है या बहार? बताता हूँ तनिक। यहाँ तो आके बैठो पद्मिनी। तुमने कई बार अपने सौंदर्य की परीक्षा दी है और सभी में तुमने विजय प्राप्त की है, परंतु अब की बार ये सिर्फ सौंदर्य की परीक्षा ही नहीं है, एक अग्नि परीक्षा भी है, जिसमें तुम्हें अत्यंत सावधानी से विजय प्राप्त करनी होगी। आप तो मुझे ये बताइए कि अपने जाल में फंसाना किसे है। उसके पश्चात मैं देखूंगी कि ये अग्नि परीक्षा मेरी है या फिर उसकी। उसका नाम हरिदास है। वह जन्म से एक मुसलमान है, परंतु एक वैष्णव की वेशभूषा धारण करके वह हरि नाम का जप करते हुए लोगों को धोखा दे रहा है। तो मैं तो बस अपने सौंदर्य जाल में उसे फंसा कर उसको अपना प्रेमी बनाना है, जिससे उसके अनुयायियों को एक सबक मिल सके। और हाँ, एक मुख्य विषय ये है कि वह एक नवयुवक है। इतना मेरे लिए पर्याप्त है। वह तो मुझे देखते ही दुर्बल हो जाएगा।
मेरे सौंदर्य से मैं उसे अपना दास बना दूंगी। शाबाश पद्मनी, शाबाश। हरिदास को बंदी बनाने का कार्य मैंने चंपा, रूपवती और पराजिता जैसी सुंदरियों को सौंपा, परंतु वे दोनों भक्ति हरिनाम कहकर यहां से भाग गई। मैंने सोचा कि तुम भी वैसे ही भाग जाओगी, परंतु तुम तो बहुत ही बुद्धिमान और पराक्रमी हो। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा बल है। इस अद्भुत कार्य के लिए तुम्हें कितने स्वर्ण के पड़ चाहिए, बोलो। मैं पहले कार्य पूरा करूंगी, बाद में उपहार लूंगी। ठीक है ठीक है, यह बताओ कि तुम अपना कार्य कब से शुरू करोगी? आज रात्रि से ही शुरू करूंगी। हरिदास नाम आज से ही लुप्त हो जाएगा। कल से वह पद्मनी का दास बन जाएगा। अद्भुत खान जी, अद्भुत। हरिदास को पराजित करने के लिए आपने एक अद्भुत अस्त्र का प्रयोग किया है। आज के पश्चात वह सदैव के लिए विलुप्त हो जाएगा। शर्मा, जैसे ही पद्मनी हरिदास को अपने चंगुल में फंसा लेती है, तुरंत हमारे सिपाही हरिदास ठाकुर को रंगे हाथ पकड़ लेंगे और बंदी बना लेंगे और समस्त जनता के सामने उसका वास्तविक चरित्र प्रकट कर देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कैसा आश्चर्य है, मेरी पायल की झंकार से पुरुषों के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। हरे कृष्ण कृष्ण, मेरे केशों की सुगंध से हरे राम 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 हरे, वे भ्रम में पड़ जाते हैं, परंतु हरिदास एक चट्टान जैसे स्थित है। तुम्हें कैसे अपने वश में करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब देखना ये है कि मेरे घुंघरू थमते हैं या तुम्हारा हरि नाम। Thank you.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ी आश्चर्य की बात है, एक हल्के भूकंप से चट्टान भी हिलने लगती है, परंतु हरिदास का ध्यान मैं तनिक भी नहीं भटका पा रही हूँ। लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाला। कांटे को कांटे से निकाला जाता है, उन्हीं के रास्ते पे चलकर उन्हें फंसाना होगा। हरी 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 हरी। हरे कृष्णा, क्या चाहिए आपको? हे हरिदास ठाकुर, आप महान प्रचारक और भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। आपकी ख्याति मैंने चारों ओर सुनी है, तो मैं आपके दर्शन के लिए यहाँ आई थी। आप यहाँ पर जप कर रहे थे, तो आपका मेरी ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए मैंने नृत्य किया, तब भी आपने अपनी आंखें नहीं खोली। परंतु जब मैंने हरे कृष्ण बोला, तो तुरंत आपने आंखें खोल ली, और अभी आप पूछ रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए। मुझे आप ही चाहिए। मैं समझा नहीं माता। माता, हाय, देखिए, आप मुझे माता कहकर संबोधित मत कीजिए, यह मुझे प्रिय नहीं है। ठीक है, परंतु क्या आप मुझे यहाँ आने का कारण बताएंगी? हाँ हाँ, समझाती हूँ। मैं जब यहाँ आई तो आपके नवयुवन को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। आप जैसे सुंदर युवा को मैंने अपने हृदय में बंदी बना लिया है। भला कौन ऐसी मूर्ख स्त्री होगी जो आपको देखकर कामातुर ना हो। आज से और अभी से मैं आपकी दासी बन गई हूँ। मैंने खुद को आपके लिए समर्पित कर दिया है। यौन के आनंद को भोगने के बजाय आप क्यों हरि नाम के जप से अपने मूल्यवान जीवन को नष्ट कर रहे हैं? आज से हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम अपना शेष जीवन सुखपूर्वक बिताएंगे। आज रात्रि की शुभ बेला में हम दोनों मिलकर पूरी तरह से यौन का सुख भोगेंगे। अब तनिक भी देर मत कीजिए, मेरी इच्छा को पूरा कीजिए, अन्यथा मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। कृष्ण, क्यों मेरी ऐसी परीक्षा ले रहे हो? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैंने अपने गुरु को वचन दिया था कि प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगा। वह जप मैंने अभी तक पूरा नहीं किया। जैसे ही मेरा जप पूरा हो जाता है, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। ठीक है, परंतु आपने अपने गुरु को कितनी माला जप करने का वचन दिया था? ज्यादा नहीं, बस प्रतिदिन 300,000 बार। क्या आप प्रतिदिन 300,000 हरि नाम का जप करते हैं? अब तो मुझे चक्कर आ रहा है। आप कब तक अपना जप पूरा करेंगे और कब मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे? चिंतित मत हो, बस और थोड़ा समय शेष है, फिर मेरा जप पूर्ण हो जाएगा। उसके पश्चात मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। मुझ जैसी अपना नारी के साथ छल करना आपको शोभा नहीं देगा। कदापि ऐसा नहीं होगा। तब तक आप वहां बैठकर मेरे इस महामंत्र को कृपया ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भला इस संसार में कोई है ऐसा जो 300,000 बार हरि नाम लेता है? राम राम हरे नहीं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण महान भक्त हरे हरे,
हरे राम, ये लेते हैं और अपना जीवन नष्ट करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या अब तक आपने अपने जप को पूरा नहीं किया? देखिए सुबह हो गई है। मुझे क्षमा कीजिए, कल रात्रि मैं आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाया। जैसे मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, आपने मेरे साथ छल किया है। नहीं नहीं, मेरा उद्देश्य आपके साथ छल करना नहीं था। चिंतित मत हो, आप आज रात्रि को आइए, मैं अवश्य आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। तो ठीक है, अब हमारा मिलन आज रात्रि को होगा। आओ पद्मनी आओ। क्या सुसमाचार लाई हो? क्या वो ढोंगी हरिदास तुम्हारे जाल में फंस गया? नहीं, कल जो योजना मैंने बनाई थी वह निष्फल हो गई। हरिदास ने जप को पूरा करने के बाद मेरी इच्छा को पूर्ण करने का वचन दिया था, लेकिन सूर्योदय तक उसका जप ही पूरा नहीं हुआ। मैं कब तक उसकी प्रतीक्षा करती, तो मैं सो गई। तेरे की, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ये तुम्हारे लिए एक अग्नि परीक्षा होगी। वह एक बहुत बड़ा कपटी है, कपटी। तुमने देखा ना कैसे उसने बड़ी ही चालाकी से तुम्हें धोखा दे दिया। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वह क्यों मुझे आज रात को अपने पास बुलाता? क्या उसने तुम्हें अपने समक्ष आज रात्रि को बुलाया है? तुम पकड़े गए हरिदास ठाकुर, तुम पकड़े गए। अर्थात तुम्हारी योजना पूरी ना सही, आधी तो सफल हो ही गई। बस आज रात्रि उसे पूरा सफल कर देना। लेकिन आप चिंता मत कीजिए हुजूर, आज रात्रि में पूरी सफलता के साथ लौटूंगी। मेरी ओर से तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं, विजयी होकर लौटो। अब तुम्हारे प्रशंसकों को तुम्हारे ऊपर कालिक पोतने में ज्यादा समय शेष नहीं है हरिदास, अब तुम्हारी हार निश्चित है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी 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 हरी। आइए, बस और थोड़ा समय, जब पूरा हो जाएगा। कृपया करके बैठ जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज फिर सूर्योदय हो गया, देखा आपने?
और आपका जब पूरा नहीं हुआ? आपने मेरे प्रेम और त्याग का अपमान किया है। मैं इसी क्षण आत्महत्या कर लूंगी। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ ना करें। कृपया आप मेरी बात सुनिए। मैंने प्रतिज्ञा ली थी, 1 माह में 1 करोड़ हरिनाम जप करूंगा और मैं अपने लक्ष्य के बहुत समीप हूँ। आज पुनः आप रात्रि में आइए, मैं अपने जप को जल्दी पूरा करने का प्रयास करूंगा। उसके पश्चात मैं आपकी हर इच्छा को पूर्ण करूंगा। अब तुम निसंकोच अपने घर लौट सकती हो। ठीक है, मैं आपको एक अवसर और देती हूँ। मैं रात्रि को आऊंगी और अपनी इच्छा को पूरा करूंगी। ये क्या है पद्मनी, तुमने 2 रात्रि नष्ट कर दी? क्या तुम्हारी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है या तुमने अपना दल बदल लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है हुजूर। फिर क्यों तुमसे बार बार गलती हो रही है? वह बहुत चालाकी से तुमको टाल रहा है और तुम्हें इसकी भनक तक नहीं हो रही है। तुम मुझे ये बताओ कि समस्या कहां आ रही है? मुझे तो लगता है कि वह वास्तव में ही एक महान साधु है। नहीं पद्मनी नहीं, वह साधु के जैसे ढोंग कर रहा है और उसे देखकर तुम भ्रमित मत होना। हम उसके साथ षड्यंत्र करने जा रहे हैं लेकिन यह पासा उल्टा पड़ रहा है। मुझे तो संदेह है कि संभवता किसी ने हमारी इस योजना के बारे में पहले ही उसे बता दिया होगा। ऐसा संभव नहीं है पद्मनी। उस बैठक में मैं और शर्मा जी के अलावा किसी को ज्ञात नहीं है और हमारे बीच में जो संवाद हुआ था वह भी गुप्त है। तुम अपने आत्मविश्वास को मत खो सुंदरी, तुम अवश्य ये काम सिद्ध कर पाओगी। आज रात्रि यह निर्णय हो जाएगा। आज मेरे सामर्थ्य और उसके सामर्थ्य की परीक्षा है। पद्मनी या हरिदास, आज विजय मेरी होगी और वह पराजित होगा। बस यही आत्मविश्वास तुमको बनाए रखना है। तुम्हारी विजय निश्चित है। जाओ अपना काम सिद्ध करो और नाम भी सिद्ध करो। मैं तुम्हें रईस बना दूंगा। अगर तुम चाहोगी तो जागीरदार बन जाना, जागीरदार। जाओ जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी, ये आप क्या कर रहे हैं? आज प्रातःकाल आपने कुछ कहा था, क्या वह भूल गए? अभी भी आप अपने जप में व्यस्त हैं। मैं क्या करूं, मैं असहाय हूं। मैं कितना भी प्रयत्न कर लूं लेकिन उत्साहित होकर तेजी से जप नहीं कर पा रहा हूं। क्या आप मेरी एक सहायता कर सकती हैं? कैसी सहायता? आज आप भी मेरे साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। बस और थोड़ी ही गिनती बाकी है। अगर आप जप करेंगी तो आपके साथ मिलकर मैं भी तेजी से जप कर सकूंगा। उसके बाद आप जो चाहेंगी वो होगा। ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताइए कि उस महामंत्र का उच्चारण कैसे करते हैं? मैं अभी आपको सिखाता हूँ, कृपया करके बैठ जाइए। ध्यान से सुनिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे। बस इतना सा ही? अरे ये तो बहुत आसान है। यही इस महामंत्र की विशेषता है। चलिए अब जब शुरू करें।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपकी महान कृष्ण भक्ति को जाने बिना मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मेरा जीवन एक वैश्या के रूप में कट गया जिसमें मैंने अनगिनत पाप किए हैं, और आप जैसे महान भक्त को पद भ्रष्ट करने का प्रयास किया। मैंने बहुत जघन्य अपराध किया है। उस दुष्ट रामचंद्र खान की बातों में आकर, मात को चुप हार के बहकावे में मैंने आपकी इस पवित्र एवं अड़िग कृष्ण भक्ति को भंग करने का प्रयत्न किया, परंतु आपने मुझे इस अमूल्य हरे कृष्ण महामंत्र का उपदेश देकर साक्षात भगवान श्री कृष्ण का मेरे हृदय में दर्शन करवाया है। इस महापापनी के ऊपर भी आपने अपनी दया वृष्टि की है प्रभु। मेरा जीवन अंधकारमय था, परंतु आपकी कृपा से यह प्रकाशित हो गया है। इस दुख में संसार की पीड़ाओं से मेरी रक्षा कीजिए स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे रामचंद्र खान के षड्यंत्र के बारे में अच्छी तरह से ज्ञात था। वह धूर्त और अज्ञानी है, इसलिए उसके षड्यंत्रों से मैं तनिक भी विचलित नहीं हुआ। जब आप इधर पहले दिन मुझसे मिलने आई थी, तब ही मैं यहाँ से जा सकता था, परंतु सबके हृदय में परमात्मा के रूप में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण से मैंने आज्ञा मांगी कि हरे कृष्ण महामंत्र के दिव्य परम आनंद की अनुभूति मैं आपको कराऊं। उनकी आज्ञा के अनुसार प्राथमिक दो दिनों में मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का आपके सामने जप किया, और आज मेरे साथ उस मंत्र का जप आपसे करवाया। जिस तरह एक रोगग्रस्त व्यक्ति अगर बिना विश्वास के औषधि का सेवन करता है तो भी वह औषधि अपना कार्य अवश्य करती है, उसी तरह आपके कानों में हरे कृष्ण महामंत्र की जो ध्वनि गई है, उसने आपकी चेतना, दूषित मन एवं सारे अनर्थों को दूर करके आपको पवित्र कर दिया है। यही हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आपने सत्य कहा प्रभु, आपके मुख से निकले हुए महामंत्र को मैं दो दिनों से सुन रही थी। आप जैसे पवित्र भक्त का संग मिलने के कारण अब मैं जीवन का वास्तविक अर्थ समझ पाई हूँ। कृपया मुझे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार करिए और मुझे आदेश दीजिए।
इस भवबंधन के रोग से बचने का क्या उपाय है? कृपया मेरा मार्ग प्रशस्त करें प्रभु। सर्वप्रथम आप अपने पाप कर्मों से संचित किए हुए धन को भगवान की सेवा करने वाले ब्राह्मणों और वैष्णवों को दान दे दीजिए। उसके पश्चात हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन जप कीजिए और यहाँ पर इस तुलसी महारानी को प्रणाम और प्रदक्षिणा कर उसकी पूजा कीजिए। इस तरह से आप शीघ्रातिशीघ्र भगवान के चरणों की शरण ले पाएंगी। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण आपके समस्त पापों को क्षमा करके आपको इस जन्म मृत्यु के भवसागर से मुक्त कर देंगे और वह आपको अपने साथ गोलोक धाम ले जाएंगे। जिसने भी वास्तव में हरिनाम की शरण ली है उसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने अवश्य की है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कृष्णेरमतिरस्तु। नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की कृपा से उस वैश्या का हृदय परिवर्तन हो गया। अब वह भी हरिदास ठाकुर का अनुसरण करते हुए हरिनाम का 300,000 बार नाम जप करने लगी। उसने अपने सारे जेवर गहने ब्राह्मणों को दान में दे दिए और अपने सर के बाल मुंडवाकर वह सादे सफेद साड़ी पहनकर नित्य हरिदास ठाकुर जी की कुटिया में बैठकर जप करती। उस वैश्या का उद्धार करने के पश्चात ठाकुर जी शांति नगर की ओर प्रस्थान किए। वहां के प्रबंधक काजी नामाचार्य के यहाँ आने से बहुत अप्रसन्न थे। वह शहनशाह के दरबार में जाकर हरिदास ठाकुर जी की शिकायत करने पहुंच जाता है। आओ काजी आओ। पूरे नवदीप के संचालक और पूर्व वजीर लगता है आज पहली बार हमारे दरबार में तशरीफ रख रहे हैं। जी शहंशाह, आपने मुझे पश्चिम बंगाल में प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया है, जिसे निभाना मेरा फर्ज है हुजूर। मैं अपनी जागीरदारी के कामों में मशगूल था, इसलिए इतने दिनों बाद आज हाजिर हुआ। ऐसी कौन सी आफत आ गई है जिससे आपको यह तकल्लुफ करना पड़ा? इस तकल्लुफ के लिए माफी जहां पना। आफत इतनी संगीन नहीं है जितना हम उसे समझ रहे हैं, लेकिन एक मुजरिम के साथ कड़ा मुकदमा होना चाहिए। मुकदमा? कौन है वह मुजरिम? इस बंगाल में किसने हमसे गुस्ताखी की है? बताओ वजीर बताओ। पुटना गांव से शांतिपुर इलाके में हरिदास नाम का एक शख्स है। मुझे बड़ी हैरानी हुई हुजूर जब मुझे अपने मुलाजिम से पता चला कि हरिदास पैदाइशी एक मुसलमान है। क्या? जब उसका नाम हरिदास है तो वह मुसलमान कैसे हो सकता है? मेरे खबरी ने मुझे बताया कि हरिदास नाम उसके हिंदू गुरु ने रखा, बल्कि वह यवन खानदान में पैदा हुआ। या अल्लाह, उस फकीर ने अपना मजहब क्यों बदल लिया है? ताजुब है कि नवाब यवन एक काफिर को फकीर का दर्जा फरमा रहे हैं। हुजूर, उसने हमारे पाक इस्लाम मजहब का मजाक बना दिया है। वह उस लाचार कमजोर हिंदू मजहब का पैरोकार बना हुआ है। वह काफिर नहीं, हमारे मजहब के अनुसार 5 बार नमाज पढ़ता है और ना कुरान पढ़ता है। जब देखो हरे कृष्ण करते चिल्लाता रहता है। उसका इंसाफ अल्लाह ताला जरूर करेंगे, वह इसका नतीजा जरूर भुगतेगा। उसके बारे में जिक्र करना आप छोड़ दो। नहीं हुजूर, यह मुजरिम हरिदास पूरे नवद्वीप के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। हिंदुओं के बीच अपना नाम शोहरत कमाने के लिए वह साधु बनकर ढोंग कर रहा है, लेकिन इससे ज्यादातर हिंदू ब्राह्मण लोग ही उसका विरोध कर रहे हैं। वे लोग कहते हैं कि यह उनके मजहब का अपमान कर रहा है। उनका मानना है कि भगवान का नाम केवल हिंदू ही ले सकता है, यवन और मलेच्छों को इसका अधिकार नहीं है। मुझे हिंदुओं से कोई शिकायत नहीं है। अगर हरिदास उनके मजहब का अपमान कर रहा है तो हमें तो उसे खुशी खुशी इनाम देना चाहिए, सजा नहीं। उससे हमारे मजहब का भी नुकसान है शहंशाह। अगर हमने उसे सजा नहीं दी
तो हमारे मुसलमान भाई भी उसके बातों में आकर हिंदू मजहब में धर्मांतरण कर लेंगे। उसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल में हरिदास का ही नाम होगा। सिर्फ यही नहीं, आवाम को इकट्ठा करके वह हमारे खिलाफ बगावत कर सकता है और आपकी रियासत को कब्जे में ले सकता है नवाब। यह हमारे सारे मंसूबे में पानी फेर देगा। इसका जल्द से जल्द खात्मा किया जाना चाहिए। क्या उसमें इतनी हिम्मत है? तो अब हमें क्या करना चाहिए वजीर? हुजूर, वक्त आपके कब्जे में। अल्लाह ताला ने आपको वह बुलंदी बख्शी है, वह बुलंदी बख्शी है आप एक क्या सैकड़ों हरिदास को कुचल कर हमारे मजहब को बचा सकते हैं। कहां है वो हरिदास? उसको तुरंत दरबार में पेश किया जाए। हम जल्द से जल्द उसका इंतजाम करते हैं। मुझ नाचीज के होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है हुजूर। मेरे मुलाजिम अभी हरिदास को अपनी हिरासत में लेकर नवाबे यवन के सामने पेश कर दें। जल्दी लेकर आओ उस काफिर को। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ इच्छाएं रहती हैं, जैसे अपना नाम, धन, प्रतिष्ठा, पुत्र, सुंदर पत्नी, घर द्वार आदि वह पाना चाहता है। ऐसी इच्छाएं उनके सुख और दुख का कारण बनती है, किंतु उनके संतुष्टि का कारण नहीं। हर व्यक्ति संतुष्टि चाहता है, परंतु माया के प्रभाव में वह दुख, कष्ट आदि भोगता रहता है और सोचता है वह सुखी और संतुष्ट है। यह क्षणिक सुख हमारे स्वप्न के समान है, जो आंख खुलते ही नष्ट हो सकता है। इसलिए हर जीव मात्र का कर्तव्य है कि वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा करे और उनके शरणागत हो जाए। क्योंकि हमें बड़ा ही दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, कई जन्म जन्मांतर के बाद इस मनुष्य जीवन में हम भगवान को समझ सकते हैं और उनसे अपना नित्य संबंध कृष्णदास के रूप में पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत कठिन नहीं है, अपितु सरल है। आप सभी मेरे साथ उच्चारण कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे प्रतिदिन ध्यानपूर्वक जप कीजिए। हरिदास जी, क्या इसके लिए हमें अपना धर्म जाति बदलना पड़ेगा? हाँ बताइए हरिदास जी, हाँ बताइए हरिदास जी, बताइए। नहीं नहीं, देखिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए हमें अपनी जाति धर्म परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी धर्म मजहब में रहकर अपने स्वधर्म का पालन कर सकते हैं। जैसे हमें अपने राजा की आज्ञा पालन करने के लिए अपना देश, जाति, धर्म, परिवार का त्याग नहीं करना पड़ता, ठीक उसी प्रकार भगवान की सेवा के लिए हमें धर्म आदि परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी काल, समय, परिस्थिति में रहकर हरि नाम का निरंतर जप कर सकते हैं। पकड़ लो इस काफिर हरिदास को, ये हमारी आवाम को भड़का रहा है, यह हमारे मजहब के लोगों को हिंदू बना रहा है, मारो उसे। छोड़ दो उन्हें, मारो, वो निर्दोष है, बेगुनाह है, मारो, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो उन्हें। उन्होंने कभी हमसे अपना मजहब बदलने के लिए नहीं कहा। मारो उसे, मारो, छोड़ दो उन्हें, वो निर्दोष है, बेगुनाह है, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो उन्हें। सुनो भाइयों, हम सबको नवाब के पास जाना चाहिए और उन्हें बताना होगा कि हरिदास निर्दोष है। हुजूर, हमने उस काफिर को जंजीर में जकड़कर हिरासत में ले लिया। उसे हमारे दरबार में पेश किया जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। ए हरिदास, हरिनाम बंद कर वरना तेरी जबान खींच ली जाएगी। हरिदास, हमने सुना है तुम्हारा जन्म एक मजहबी पाक खानदान में हुआ था, फिर क्या वजह है कि तुमने मजहबी उसूलों के खिलाफ हरि नाम लेना शुरू कर दिया? क्या रखा है उस तुच्छ हिंदू धर्म में? हमारा मजहब सबसे ऊंचा है और ताकतवर है, हमें खुदा ने असीम रहमत फरमाई है। जरा देखो खुद को, कैसे भिखारियों की तरह हुलिया बना रखा है। छोड़ दो हरि नाम को, वापस हमारे मजहब को स्वीकार कर लो। मजहब मजहब का वास्तविक अर्थ क्या है? हम कई जन्मों और काल से भगवान से अपने नित्य संबंध को भुलाकर बैठे हुए हैं, और उसे पुनः प्राप्त कर भगवान से प्रेम करना तथा उनकी सेवा करना ही एक अच्छे मजहब या धर्म का उद्देश्य है। शास्त्रों में वर्णन है कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतएव उनसे प्रेम करना ही हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। भगवान नित्य और सनातन है और हम उनके अंश हैं, इसलिए हमारी संवैधानिक स्थिति उनकी सेवा करना है। धर्म या मजहब तो वो है जो हमें भगवान से प्रेम करना तथा उनकी सेवा करना सिखाए। बस बहुत हुआ, मेरे सामने यह फालतू बातें मत करो। देखो, तुम यवन खानदान से हो इसलिए हमारे भाईजान हो, मैं तुम्हारे सभी गुनाहों को माफ कर दूंगा। अगर इस कुरान के कलमा को तुमने पढ़ लिया तो अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देंगे, तुम फिर से मुसलमान बन जाओगे, नहीं तो अल्लाह की रहमत तुम पर कभी नहीं बरसेगी। इस कलयुग में माया के प्रभाव को देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। उस माया के प्रभाव से राजा से लेकर भिखारी तक सभी उसके गुलाम बने हुए हैं। आप भी एक बादशाह हैं, अतएव आपको भी यह तथ्य स्वीकार करना होगा। इस जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिर्फ एक ही है, बस हम हिंदू और मुस्लिम उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जिस तरह मुस्लिम कुरान को पढ़कर अल्लाह को प्रेम करना चाहते हैं, उसी तरह हम पुराणों शास्त्रों से उस परम दयालु भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो परमात्मा सिर्फ एक ही है, ये आप स्पष्ट रूप से जान जाएंगे। फिर चाहे भगवद गीता हो या कुरान, इन सभी का उद्देश्य यही है कि भगवान सिर्फ एक हैं और हम उनकी संतान हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद है, वे सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। हुजूर, इनकी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि यह बेगुनाह है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इन्हें आप रिहा कर दें। हमारी आवाम भी हरिदास को रिहा करने की दुआ मांग रही है। या अल्लाह, क्या फैसला सुनाऊं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरा मन बहुत उलझन में है। उलझन किस बात की सहनशाह? यह एक ढोंगी है, अपने बातों से यह सबको गुमराह कर रहा है। इसकी इतनी मजाल कि यह सब मजहब को एक बता रहा है। अल्लाह को हिंदू भगवान कृष्ण के बराबर बताने के गुनाह में इसका सिर कटवा देना चाहिए जहां पना। नहीं हुजूर, अगर हमने ऐसा किया तो खुदा हम पर कयामत बरसा देगा। हमारे वजीर ये ना भूलें कि हरिदास हमारी बिरादरी का है। जहां पना, लगता है यह मुलाजिम अपनी हैसियत भूल गया है। अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम भी एक काफिर की औलाद हो। तुम्हारे जिस्म में उन काफिरों का खून दौड़ रहा है। हमारे जहां पनाह और खुदा ने तुम पर रहमत बरसी है। मजहब बदलने का मतलब यह नहीं कि तुम हमसे ऊंची जुबान में बात करोगे। तुम और तुम्हारी औलादें हमारी मुलाजिम हैं, यह मत भूलो। मुलाजिम, तुम भी कभी हिंदू हुआ करते थे, लेकिन आज तुमने अपना मजहब बदल लिया है। इसकी वजह बताओ हरिदास को, बताओ उसे कि वह जिस मजहब का पालन कर रहा है वह कमजोर और जर्जर हो चुका है। जी नवाब, देखो हरिदास, नवाब साहब का कहना मान लो, मेरी तरह वे तुम्हें भी शानो शौकत और दौलत से खुशहाल कर देंगे।
अब छोड़ भी दो यह जिद, हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, असली जीवन का आनंद मुसलमान बनने में है। हरिदास अभी भी वक्त है, कलमा पढ़ लो, तुम्हें शाही खजाने से मालामाल कर दिया जाएगा। तुम हमारे शहंशाह की रहमत का नाजायज फायदा मत उठाओ, उन्होंने तुम्हें पैदाइशी मुसलमान होने की वजह से एक और मौका बख्शा है। आज तुम्हें इस कुरान की कलमा को पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो तुम पर हमारे नवाब का ऐसा कहर बरसेगा जिससे इस पश्चिम बंगाल तो क्या, पूरे भारतवर्ष में तुम्हारी सजा से हिंदुओं के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। काजी ठीक कहता है, यही तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। हरी नाम के चाप को छोड़कर कलमा पढ़ना शुरू कर दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करना ही मेरा स्वधर्म है। मैं आपके तथा बेरहम काजी के प्रलोभन में नहीं आने वाला। अगर आपने मेरे शरीर के 100 टुकड़े भी कर दिए, तब भी उसके एक एक अंग का टुकड़ा हरि नाम का जप करता रहेगा। हरि नाम के समक्ष सारा ऐश्वर्य तुच्छ है, यही मेरे जीवन का सार सर्वस्व है, यही परम आनंदमय है। मुझे हरि नाम लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुझे अपने हरि नाम पर इतना गुरूर है, मार मार कर तेरे जिस्म से सारी खाल उतार दूं, फिर देखते हैं क्या करता है तेरा हरि नाम। हाँ सही कहा, तेरी सजा अब मेरा वजीर चुनेगा। बताओ वजीर, इसे क्या सजा सुनाए? ए हरिदास, क्या तुम्हारा हरि नाम तुम्हें 22 बाजार में कोड़े पड़ने से बचा सकता है? बता। हरि नाम समस्त दुखों का निवारण करने में समर्थ है। खाक है। हरिदास, तुम्हें हरि नाम पर इतना भरोसा है? तो ठीक है, 22 बाजारों में कोड़े पड़ने पर भी अगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, तो हम मान जाएंगे कि तुम्हारे हरि नाम में दैवी ताकत है और तुम एक सच्चे फकीर हो। और अगर तुम झूठे साबित हुए तो ख्याल रखना, इस हरि नाम के साथ साथ यह हरिदास भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, समझे? ले जाओ इसे 22 बाजार में कोड़े मार मार कर इसका हरि नाम छीन लो या इसे खत्म कर दो, ताकि फिर कोई हरिदास पैदा ना हो सके। जो हुक्म शहंशाह। आज का दरबार यहीं खत्म करते हैं। तख लिया। सुनो, 22 बाजार से हरिदास को जिंदा नहीं लौटना चाहिए। अगर मुझे दोबारा इसकी बदसूरत शक्ल देखनी पड़े तो तुम दोनों जिंदा नहीं रहोगे। इसे ऐसी मौत देना जिससे हमारी आवाम में हरि नाम लेने का खौफ फैल जाए। ले जाओ इसे हरिदास, आज से हरि नाम और तुम्हारी कहानी खत्म। ओ कृष्ण। कृष्णा भागले, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। ले और ले। कृष्णा कृष्णा, तेरी हरि नाम की भूख को मैं अभी शांत करता हूँ। अब तू हमसे अपनी जान की भीख मांगेगा। ले, हो कृष्ण और ले। मत मारो इन्हें। ये बेगुनाह है। मत मारो इन्हें। छोड़ दो इन्हें। छोड़ दो इन्हें।
ये बेगुनाह है, ये बेगुनाह है, मत मारो इन्हें। सहनशाह के कहने पर अगर तूने कुरान का कलमा पढ़ लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अब देख, इस हरी नाम की वजह से तू इस नुकीले कोड़े से मरने वाला है। और ले कृष्णा, कृष्णा, हरे कृष्णा। मरने की चिंता मुझे नहीं है, आज नहीं तो कल हमें मरना ही है। और वैसे भी जीवन मरण तुम्हारे और नवाब के हाथ में नहीं है। है हमारे हाथ में, ले और ले। कृष्णा, कृष्णा, तेरी जिंदगी हमारे हाथों में है, बुला ले अपने भगवान को। ले ले कृष्णा। हरिदास जी, मान लो इनकी बात, मान लो इनकी बात। हे कृष्णा, हे कृष्णा, ये लोग बहुत जालिम है, ये बहुत जालिम है। हरे राम, तुम्हें मार डालेंगे। हरे राम, राम राम। हरिदास जी, ये तुम्हें मार डालेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। आज अगर मैं इनकी बात मान भी लूं तो कल कोई और नवाब मुझे धमका कर अपने भगवान को और कोई नाम से पुकारने को कहेगा, तो क्या मार खाने के डर से मैं उसकी बात मान लूं? तुझे मानना होगा, हम तुम्हें मनवा कर रहेंगे। नहीं, मैं इस नश्वर शरीर के कष्ट से बचने के लिए अपनी आत्मा का सौदा नहीं करूंगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं। देखो, हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा, मेरी बात मानो, हम तुम्हें यहीं खत्म कर देंगे। अभी तुम जिंदा हो, क्यों फालतू में लाश बनना चाहते हो? बंधु, जो हरि नाम का जप नहीं करता वह खुद एक जिंदा लाश के समान है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, तब जाकर आपके जीवन में कल्याण होगा। तेरी इतनी जुर्रत कि तू हमसे हरि नाम का जप करवाना चाहता है? देख अभी तेरी क्या हालत करता हूं। और ले कृष्णा, ले हरे राम, और ले हरे राम, राम राम हरे हरे। अंड खंड भय देह जाए जदि प्राण, तबु आमि बदने ना छाड़ी हरि नाम। अगर आप मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी क्यों ना कर दे और मेरे प्राण भी क्यों ना चले जाए, फिर भी मैं हरि नाम लेना नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुझे मार मार कर सचमुच जिंदा लाश बना दूंगा। और ले, और ले, और ले, और ले। इस तरह जल्लादों ने हर एक बाजार गली नगर में हरिदास पर कोड़े बरसाए, परंतु इससे कामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर और उत्साहित होकर हरिनाम का जप करते रहे। उनके हरिनाम के प्रभाव को देखकर क्रूर जल्लाद भी आश्चर्यचकित थे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे ये हरि नाम लेना बंद क्यों नहीं कर रहा है हरे हरे भाईजान हमने इसको इतना मारा इतना मारा लेकिन ये है कि और जोर जोर से हरि नाम ले रहा है हरे रामा इसे कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा ले और ले कृष्णा कृष्णा हरे मेरा तो यह बारवा कोड़ा है इसे मारते मारते कोड़े टूट रहे हैं लेकिन इसके नाजुक शरीर को कुछ नहीं हो रहा है बस बहुत हुआ अब तो मैं थक गया हूं इसे मारते मारते देखो देखो मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं इसे कितना भी मार लो ये हरे कृष्ण का जब करता रहता है अब और मुझसे नहीं होगा मुझे लगता है कि सच में इन पर अल्लाह ताला की दुआ है लेकिन क्या तुमने काजी जी का हुक्म नहीं सुना अगर मुझे दोबारा इसकी बदसूरत शक्ल देखनी पड़ी तो तुम दोनों जिंदा नहीं रहोगे इसे ऐसी मौत देना जिससे हमारी आवाम में हरिनाम लेने का खौफ फैल जाए हरिदास जी हमें बचा लीजिए हमें बचा लीजिए हमें बचा लीजिए अब सिर्फ आप ही हमें बचा सकते हैं काजी ने हमें धमकी दी है अगर हमने आपको नहीं मारा तो वो हमें अपने परिवार के सहित मार डालेगा वो एक बेरहम इंसान है हरिदास जी आप एक सच्चे फकीर हैं हम पर रहम कीजिए हमें बचाइए हरिदास जी हमें बचाइए हमें बचाइए हम आपके गुनाहगार हैं हमें माफ कर दीजिए हमें माफ कर दीजिए हमें माफ कर दीजिए उठ जाइए तुम लोग व्यर्थ चिंता मत करो अगर मेरे जीवित रहने से तुम्हें और तुम्हारे परिवार पर संकट आ सकता है फिर मैं स्वयं ही अपने प्राण त्याग देता हूं तुम लोग चिंता मत करो मैं ये नहीं होने दूंगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे अरे ये क्या हुआ लगता है ये सचमुच मर गए हाँ ये सचमुच मर गए देखो मर गए अरे ये क्या हुआ इन्होंने अपनी जान दे दी हाँ देखो इन्होंने अपनी जान दे दी अरे ये क्या हुआ लगता है ये सचमुच मर गए देखो उन्होंने अपनी जान दे दी अरे ये क्या हुआ क्या हुआ ये तो सचमुच मर गए ये कैसी हैरानी वाली बात है हजारों लाखों कोड़े मारने के बाद भी जिनको कुछ नहीं हुआ उन्होंने हमारी दुआओं को सुन लिया और अपनी जान दे दी सच में ये एक महान फकीर थे ऐसे महान फकीर को मारने के कारण अल्लाह ताला हमें जहन्नम भेज देंगे
आप महान हैं हरिदास जी, आप महान हैं। तुमने सही कहा भाईजान, लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। हम तो अपने मालिक के कुत्ते हैं, कुत्ते। हम पर लानत है। हरिदास जी, हमें माफ कर दीजिएगा। हमें इन्हें जल्दी शहंशाह के पास ले जाना होगा, वरना वो काजी हमें मौत के घाट उतार देगा। चलो इन्हें उठाओ। हाँ चलो। हमारे मजहब से दगाबाजी करने के लिए अल्लाह ने इसे सही सजा फरमाई। यह आने वाले सभी पुश्तों के लिए एक सबक होगा। आज के बाद फिर कोई हरिदास पैदा नहीं होगा। लेकिन इसके बदन पर कोड़े मारने के एक भी निशान मौजूद नहीं है काजी। हुजूरे आला, यह मर चुका है। इसके शरीर से रूह गायब हो गई है, शायद इसलिए इसके घाव अंदर छुप गए। वैसे भी हमें निशान से क्या लेना देना, बस हमारे लिए हरिदास मर गया, यही तो हम चाहते थे। ठीक कहा तुमने, हरिदास की लाश को शमशान में ले जाकर जला दो। नहीं शहंशाह, अगर हमने इसे जला दिया तो हिंदू धर्म के अनुसार इसे मुक्ति मिल जाएगी। अगर दफना दिया तो हमारे मजहब के अनुसार ये जन्नत में चला जाएगा। इसलिए जनाब, मेरी राय है कि इसे ना तो जलाना चाहिए और ना ही दफन करना चाहिए। इसके अलावा और हम कर भी क्या सकते हैं? इसे गंगा नदी में फेंक दीजिए। काजी, मैं तो तुम्हें चालाक समझता था, लेकिन तुम तो बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो। माफी जहांपनाह, इस नाचीज से कौन सी गुस्ताखी हुई? तुम्हें पता होना चाहिए कि गंगा हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है, इसीलिए मौत के वक्त वे लोग मुंह में गंगा जल डालते हैं। अगर हमने हरिदास को गंगा में फेंक दिया तो हिंदू मजहब के अनुसार उसे मुक्ति मिल जाएगी। हुजूर, उन लोगों के लिए गंगा नदी बहुत पवित्र एवं शुद्ध हो, लेकिन हमें पता है कि ऐसी नदियों में बड़े बड़े मगरमच्छ भी होते हैं ना। क्या आप यह नहीं देखना चाहते कि उस काफिर हरिदास के टुकड़े टुकड़े कर सारे मगरमच्छ खा जाए? पूरे आवाम को यह पता चलना चाहिए कि अगर वह हमारे मजहब से दूसरे मजहब में धर्मांतरित होंगे तो उनकी लाश भी मगरमच्छ के लिए दावत होगी। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का यह मतलब था। फिर ठीक है, गंगा में जहां ज्यादा भूखे मगरमच्छ हो वहीं इसकी लाश को फिकवा दो। जो हुक्म शहंशाह। बस यहीं रुक जाओ मुलाजिम, यहां पर बहुत सारे भूखे मगरमच्छ रहते हैं, यहीं पर हरिदास को फेंक देना चाहिए। काजी, एक बार और सोच लो, हमें सोच समझ कर फैसला लेना होगा। हुजूर, मैंने पता किया है कि इस घाट पर हिंदू आने से डरते हैं, वे लोग ज्यादातर उस किनारे पर ही नहाते हैं। जी शहंशाह, मैंने भी कई बार इस घाट के पास कई मगरमच्छ देखे हैं। ये क्या, अचानक बिजली गिर रही है? बहुत अंधेरा भी हो चुका है, कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। चलो काजी। इसको मौकाए दस्तूर कहते हैं शहंशाह। बहुत रात हो चुकी है, बेचारे मगरमच्छ भूख से तड़प रहे हैं। आपकी रहमत से आज तो इनकी दावत हो जाएगी। फेंक दो इस काफिर को। हरिदास की लाश गंगा में डूब गई। बस थोड़ी ही देर में मगरमच्छ लाश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे।
गंगा नदी आज खून से लाल हो जाएगी। काजी, लगता है बहुत जोरों से बारिश होने वाली। अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। इस काफिर हरिदास की लाश को मगरमच्छ ने खा लिया। तुम ये फरमान कल सुबह पूरे बंगाल में फैला दो। हरिदास की दर्दनाक मौत देखकर आइंदा हमारे नगर में कोई भी हरिनाम का जप नहीं करेगा। अगर फिर कोई हरिदास गलती से पैदा भी होगा तो काजी उसे बद से बदतर सजा देगा। चलो काजी, बहुत देर हो चुकी है, हमें आराम भी फरमाना है। जो हुकुम शहंशाह। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे ये कैसा चमत्कार है, एक मुर्दा फिर से कैसे जिंदा हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, यह कोई सपना है क्या? यह कोई सपना नहीं बल्कि सच है शहंशाह। देखिए, सच में ये हमारे हाथों से नहीं मरे। 22 बाजारों तक हमने इन्हें लगातार चाबुक से मरवाया था, लेकिन ये बिना किसी दर्द के खुशी खुशी हरि नाम का जप कर रहे थे। उन जल्लादों ने इनसे विनती की कि अगर आप नहीं मरे तो काजी हमें मरवा देगा। उनको बचाने के लिए ही ये महान फकीर हरि नाम का जप करते करते मानो मर गए, लेकिन दूसरे पल यह खुशी खुशी इस खतरनाक घाटी से निकलकर हरि नाम का जप कर रहे हैं। सच में ये एक महान फकीर हैं शहंशाह। सच में यह एक महान फकीर हैं। हरिदास जी, मुझे माफ कर दीजिए, आपकी महानता को जाने बिना मैंने आपको बहुत सताया है। एक सच्चे फकीर को मारने का गुनाह तो कभी अल्लाह ताला भी माफ नहीं करेंगे। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इस भौतिक संसार में हम जो भी सुख दुख का भोग करते हैं वह सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है। 22 बाजारों में कोड़ों से मार खाना और अंततः मृत होकर गंगा में गिरना, यह सब मेरी विधि थी। परंतु उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे हर समय रक्षा प्रदान करी। नहीं तो भला है कोई ऐसा जो इन दर्दनाक कोड़ों के बारंबार पड़ने के पश्चात भी जीवित खड़ा रहे? ये सब इस दुष्ट काजी की वजह से हुआ है। कहने को तो मैं एक नवाब शहंशाह हूं, लेकिन आज मैं इस वजीर के इशारों पर नाचने वाला खिलौना बनकर रह गया। इसने एक महान फकीर को अपनी खुदगर्जी के कारण ढोंगी साबित कराकर अपने साथ साथ मुझे भी खुदा का गुनहगार बना दिया। गिरफ्तार कर लो इसे। स्वामी जी, मैं बेवकूफ था जो इसकी बातों में आ गया। इस गुनाह के बदले अगर आप मुझे कोई सजा देना चाहें तो वो मुझे मंजूर होगी। नहीं नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। दो वक्त का प्रसाद और ये वस्त्र मुझे भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही प्रदान कर दिए हैं। भला इसके अलावा मेरी क्या आवश्यकता हो सकती है? परंतु मैं आपसे सिर्फ एक अनुरोध करना चाहता हूं। हुक्म कीजिए स्वामी जी, मैं आपको सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। आप काजी को रिहा कर दीजिए, यह सब अपराध उन्होंने अनजाने में किया है। कृपया कर उन्हें क्षमा कर दीजिए। हरिदास जी, मैं आपके गुनाहों के माफी के लायक नहीं हूं। इस जल्लाद नमकूल के लिए आप रहम कर रहे हैं। मैंने एक महान फकीर को जान से मरवाने की गुस्ताखी की है, आप मुझे सजा क्यों नहीं देते? मुझे भी 22 बाजारों में कोड़े मरवा कर मेरी जान ले लीजिए, ले
लेकिन मुझे माफ मत कीजिए हरिदास जी, माफ मत कीजिए। उठो काजी, उठो, मैं तुमसे तनिक भी नाराज नहीं हूं। उठो। हे कृष्ण, यह आपकी कैसी लीला है? जो व्यक्ति कभी इतना कठोर हुआ करता था, जो मुझे सजा दिलवाने के लिए हमेशा तत्पर रहता था, वो आज मुझ पतित के चरणों में गिरकर अपने लिए सजा मांग रहा है। आप वास्तव में बहुत कृपालु है भगवान, आप एक पत्थर को भी पिघला सकते हैं, ये आज आपने सिद्ध कर दिया। देख लिया तुमने वजीर, जिन्हें तुम मरवाना चाहते थे वही तुम्हारी जिंदगी बख्श रहे हैं। क्या अब भी तुम इन वैष्णव फकीर को मारना चाहोगे? बताओ मुझे। हे महान फकीर, मेरी आंखें खोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने अल्लाह की कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी भी वैष्णवों पर अत्याचार नहीं करूंगा। जो कोई भी हरिनाम का जप करता है उसे और बढ़ावा दूंगा। अब मेरी जिंदगी का उद्देश्य आप लोगों की सेवा करना है। इसके अलावा मैं मौत को गले लगाना पसंद करूंगा। हरे कृष्ण, साधु साधु साधु। सभी अभक्त जनों को सबक सिखाने के लिए भगवान ने इस परिस्थिति की संरचना की है। आज आपका समय है। आज के बाद धर्म के नाम पर मनुष्यों का विभाजन करना छोड़ दीजिए। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये सब हमारे अहंकार की एक झूठी पहचान बनकर रह गई है। इस भौतिक जगत के सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के दास हैं, यही सत्य है। हम सब भगवान की संतान हैं, अतएव हम सबको मिलकर उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें इसको सही सिद्धांत मानकर पालन करना चाहिए। इस संसार में व्यर्थ उत्पात कलह उत्पन्न करने से अपना मानव जीवन नष्ट मत करो। सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप कीजिए और अपना मानव जीवन सफल बनाइए। जरूर हरिदास जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। इस तरह नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर ने नगर नगर ग्राम ग्राम में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। वह अपने अंतिम समय में सांस लेते हुए भी हरिनाम का जप कर रहे थे। उनकी समाधि का आयोजन स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया और उन्हें नामाचार्य की उपाधि दी। हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ऐसे कई आचार्य हुए। उसी गुरु शिष्य परंपरा में आए महान आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने देश के कोने कोने में हरे कृष्ण महामंत्र को सारे बद्ध जीवों तक पहुंचाया और उनके उपरांत उनके अनुयायी शिष्य इस हरे कृष्ण महामंत्र को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से सबको पहुंचा रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।